हमारी टीम कितने टूर्नामेंट्स खेलती है, तो मुझे लगता है इसकी तो कोई एक सीमा होनी नहीं चाहिए। जितने मैचेस बतौर खिलाड़ी आप खेल पाए इंडिविजुअली या टीम के तौर पे, वो तो बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज सभी जानते हैं कि मतलब आप खुद स्पोर्ट्स कवर करते हैं या नौकरी करते हैं, जितना ज्यादा कवर करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होते जाएंगे अपने काम में। खिलाड़ी जितना ज्यादा खेलेगा उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा। तो नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, ये नंबर ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ जाए या नंबर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस बढ़ जाए, वो जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना बेहतर है। आजकल के समय में ये प्लान करना, ये प्रॉमिस करना मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली हम विश्व भर के अंदर एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बट जब चीजें बिल्कुल सही तरीके से चल रही हो, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा मैचेस खेलें वो बहुत बढ़िया। दूसरा आपने सवाल पूछा कि बीसीसीआई को क्या करना चाहिए क्रिकेट को और बेहतर करने के लिए, तो मुझे लगता है बीसीसीआई सब कुछ कर रहा है। देखिए, प्लेयर को फैसिलिटीज चाहिए होती है और मैचेस चाहिए होते हैं। मैचेस और यस हैं और बढ़ सकते हैं, वो तो हमेशा, हम 100 दिन खेलते तो हम कहेंगे 150 दिन खेलना चाहिए, 150 खेलते हैं 200 दिन खेलना चाहिए, तो वो तो वी कैन ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज और प्लेइंग डेज। जहां तक सुविधाओं का सवाल है, वो सारी मिलती हैं, क्योंकि वो आज से नहीं मिल रही, पहले से मिल रही हैं। जब मैं भी खेलती थी या जब बीसीसीआई और वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन का मर्जर हुआ था, वो तब से सुविधाएं मिल रही है और अब बेटर से बेटर ही हुई है, खराब नहीं हुई, बेटर से बेटर हुई है। जहां तक और बेहतरी क्या सवाल है, मुझे लगता है अब जो रोल है ना, वो अब प्लेयर्स के पाले में रोल है कि वो कितना ज्यादा बेटर अपना खेल कर सकते हैं, अपनी स्किल कितना ज्यादा और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अब विश्व कप जीतने की ट्रेनिंग होनी चाहिए या विश्व कप में लगातार फाइनल तक पहुंचने का पूरा सब प्रिपरेशन रहना चाहिए। फाइनल 2 बार ही खेल लिए हम, 3 बार ही खेल लिए लेकिन जीते नहीं है। सो जिस दिन हम फाइनल जीत जाएंगे, उस दिन एक बिल्कुल अलग ही रुख रहेगा वुमेन्स क्रिकेट का। बात अगर विमेंस क्रिकेट की जाए तो कुछ ही दिन में वहाँ पे दुबई के अंदर में और अब यूएई के अंदर में विमेंस चैलेंज ट्रॉफी भी होगी, अपना आईपीएल, विमेंस आईपीएल। आपको लगता है, क्योंकि विमेंस टीम ने बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट नहीं खेला है, जी आपको लगता है कि इस चीज के पहले, इस टूर्नामेंट के पहले उनको कुछ वार्म अप गेम्स मिलने चाहिए ताकि वो थोड़ा रूटीन में आ सके? मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मैचेस, आप एक वुमेन्स चैलेंजर टूर्नामेंट खेलने आने से पहले प्रैक्टिस मैचेस का की योजना करना या आयोजन करना, आई थिंक वो एसोसिएशन या क्रिकेट बोर्ड्स का काम नहीं है, वो प्लेयरों का अपना काम है कि वो जब एक टूर्नामेंट में आए वो प्रिपेयर होकर आए। और वो आयोजन करना एक चीज है और सही स्तर पर आयोजन सेफली हो जाना वो एक चीज है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी प्लेयर को शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस है या शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस है, तो वो अपने घर से खेलते हुए आए, तैयारी करते हुए आए। ये काम क्रिकेट बोर्ड्स का नहीं है कि आपके लिए वो प्रैक्टिस मैचेस भी ऑर्गेनाइज करें। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में जरूर होता है कि आपकी टीम आई है, उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए आपके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज में भी आप तैयार घर से ही होकर आते हैं, और आईपीएल टूर्नामेंट मेंस भी खेलने आते तो भी तैयार घर से होकर आते हैं। अगर किसी टीम को पहले आना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी टीम्स पहले आई हैं, तो वो आके खेल सकती हैं। लेकिन क्योंकि सब एयर बायो बबल में है, नॉट एयर बबल बट बायो बबल के अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस मैचेस का आयोजन हो पाएगा।